हेलो एवरीवन, मास्टर योर बॉडी वेट की सीरीज में आप सभी का वापस से स्वागत है। तो ये एपिसोड जो कि एपिसोड 1 का कंटिन्यूशन होने वाला है, जो लोग इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हैं या फिर जिन्होंने पिछला एपिसोड बिगिनर सीरीज का नहीं देखा, मैं एक ब्रीफ दे देता हूं आपको। एपिसोड 1 के पार्ट 1 में हमने पुल वर्कआउट्स डिस्कस किए थे, क्या क्या मूवमेंट आप मंडे को अपर बॉडी जो है हमारा वर्कआउट उसमें करने वाले हो, क्योंकि पुल मूवमेंट्स बहुत ज्यादा थी, यानी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का वीडियो हो गया था। हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, तो हम एक काम करते हैं कि पुश मूवमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, तब तक आप पुल मूवमेंट्स को प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। पार्ट 1 पुल और ये वीडियो पार्ट 2 पुश का होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम पुश के मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे। एज अ बिगिनर आपको पुश मूवमेंट्स क्या क्या करनी है, किस फॉर्म के साथ करनी है और कितने रेप्स एंड सेट्स करने हैं। और डिस्क्रिप्शन में आज के दिन का वर्कआउट यानी मंडे एपिसोड 1 अपर बॉडी मंडे वर्कआउट में पूरा रूटीन आपको दूंगा, मूवमेंट्स में समझाऊंगा आपको, और आपको करने में मैं समझता हूं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने पुल में मूवमेंट समझा था कि कैसे एक बिगिनर जिससे डेड हैंग भी नहीं होता है वो कैसे स्टार्ट कर सकता है पुल मूवमेंट्स, आज पुश मूवमेंट्स में वैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। यानी आप अगर एक ऐसी स्टेज पे हो जिससे प्लैंक होल्ड भी नहीं होता है तो भी आप कैसे कैलिस्थेनिक स्टार्ट कर सकते हो, ये इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं। अभी देखो, जैसे पुल मूवमेंट्स में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इन्वर्टेड पोजिशन होता है बॉडी का, हमने मूवमेंट्स को डिफाइन किया था, वैसे ही पुश में हम डिफाइन करेंगे। अभी जब सबसे पहला मूवमेंट आता है पुशअप्स, उसमें आपका बॉडी हॉरिजॉन्टल पोजिशन पे होता है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोर। ये हमारा पहला मूवमेंट हो गया, इसके अभी कैरी ओवर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे। आगे जितने भी वेरिएशन हम करेंगे हार्डेस्ट, उसमें ये स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा मेन कंपाउंड मूवमेंट है। फिर सेकंड, जिसमें हमारा बॉडी वर्टिकल होता है यानी कि पैरेलल बार डिप्स, आगे चल के हम स्ट्रेट बार डिप्स भी कर सकते हैं, सुपाइन ग्रिप में भी कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशन है एक्सप्लोर करने के लिए, बट स्टार्ट हम डिप से करेंगे जो बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट है। फिर हमारा आता है पाइक पुशअप्स या फिर हैंडस्टैंड पुशअप्स। अभी हैंडस्टैंड पुशअप्स इन्वर्टेड है, आपका बॉडी अपसाइड डाउन होता है और यहाँ पे हम शोल्डर और चेस्ट मसल्स को टारगेट करते हैं, तो इसका इजी वेरिएशन होगा पाइक पुशअप, जो कि बेसिकली पुशअप्स का ही एक एडवांस वेरिएशन है, बट जिस तरीके से वो करा जाता है वो हैंडस्टैंड पुशअप में बहुत हेल्प करता है। तो चलिए पहला मूवमेंट समझते हैं, पुशअप्स कैसे किया जाता है। अभी देखो, आइडियली जो कैलिस्थेनिक्स पुशअप होता है वो ऐसा दिखता है, मैं पूरा नीचे जाऊंगा और पूरा ऊपर आऊंगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है आइडियली जो आप जिम में लोगों को करते हुए देखते हैं, बॉडी बिल्डर्स को करते हुए देखते हैं। अभी यहाँ पे एक बात समझने की है कि उनका फॉर्म उनके ट्रेनिंग के हिसाब से है, वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, बट हमें जो है अपने गोल्स के अकॉर्डिंग पुशअप्स को एग्जीक्यूट करना है। हमारा गोल है कि इस मूवमेंट का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले आगे आने वाली हार्डर मूवमेंट्स में। तो यूजुअली क्या होता है, बॉडी बिल्डर सिर्फ हाफ रेंज ही यूज करते हैं, ये अभी उनके हिसाब से ये सही है, बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द मसल टेंशन। उनको सबसे उनका फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा मसल टेंशन हो, ज्यादा से ज्यादा ब्रेकडाउन हो, ताकि मसल का साइज बढ़े, साइज पे ज्यादा फोकस है। हमारा स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस है, और स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे जब ज्यादा फोकस होता है तो एक बात याद रखो कि हमें पूरा रेंज यूज करना पड़ेगा। अभी पूरा रेंज क्या होता है ये समझते हैं। पूरा रेंज, जब तक मेरा चेस्ट फ्लोर पे टच नहीं होता ये पूरा रेंज नहीं होगा। चलो ये तो हो गई लोअर पार्ट की बात कि चेस्ट ऑलमोस्ट टच हो रहा है, ठीक है। अभी ऊपर आते हुए ये यहां पे ही नहीं रुकना है, यहां से ऊपर जाना है, स्कैपुला पुश करना है। देखो पुल में अगर आपको याद होगा तो हमने स्कैपुला डेड हैंग एक्टिव हैंड सीखा था कि कैसे उसको बिल्ड करना है, कैसे वो पुल अप में हेल्प करेगा। सेम थिंग हम यहां पे करने वाले हैं, यहां पे हम स्कैपुला मूवमेंट समझेंगे। अभी हॉरिजॉन्टल है, मान लीजिए मैं ऐसा पुशअप कर रहा हूं तो मेरा ये नीचे गया, मैं चेस्ट टच हुआ फ्लोर पे। अभी आते वक्त प्रोट्रैक्शन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब आप प्लांक्स सीखेंगे, जितने भी स्टैटिक स्किल्स है, इवन एल्बो लीवर हैंड स्टैंड, उसमें प्रोट्रैक्शन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो जब आप नीचे से ऊपर आएंगे चेस्ट टच करके तो आपको प्रोट्रैक्ट करना है। ये समझना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ लोग बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं इस चीज को। देखिए हाथ ऐसे आगे उठाइए, ठीक है। अभी बिना आर्म्स को बेंड किए पीछे मूव कीजिए, चेस्ट ओपन और फिर आगे लेके आइए, चेस्ट क्लोज, चेस्ट ओपन, चेस्ट क्लोज। ये है रिट्रैक्शन, ये है प्रोट्रैक्शन।
वापस से देखिए, ये है रिट्रैक्शन, ये है प्रोट्रैक्शन, ये है एलिवेशन, ये है डिप्रेशन। तो जब आप पुशअप्स करेंगे दो चीज आपको करना है, एक तो प्रोट्रैक्शन, एक है डिप्रेशन। देखिए पुशअप पोजीशन में गया जो कि है प्लैंक पोजीशन, इसमें मैं नीचे गया, पूरा रेंज यूज किया और ऊपर आके प्रोट्रैक्शन किया। ठीक है, याद रखिए इसके बिना आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलने वाले। अभी हम उनकी बात करते हैं जिनको, जिनसे प्लैंक होल्ड भी नहीं होता। मतलब आप समझिए कि आप ऐसे हैं कि अगर आपको मैं बोल दूं 10 सेकंड ये होल्ड कर तो आपके हाथ कांपने लग जाएंगे। अगर आप इस स्टेज पे हैं तो भी टेंशन मत लीजिए, हम एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले आपको एक वॉल ढूंढनी है। ठीक है, अभी आपके हाइट के हिसाब से रफली 2.5 to 3 स्टेप्स का डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। देखिए 1, 2, 3, मैं 3 स्टेप्स का डिफरेंस मेंटेन कर रहा हूं क्योंकि मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है। यहां से मैं हाथ प्लेस करूंगा वॉल पे और पुशअप्स करूंगा। देखिए जितना हाथ आप नीचे लेते जाएंगे उतना चेस्ट पे आता रहेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मतलब आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे एक भी पुशअप नहीं जाता है, तो ये फॉर्म से आप पुशअप प्रैक्टिस कीजिए। वॉल पे हाथ रखिए, जब आप हाथ रख रहे हैं मेक श्योर कीजिए कि हाथ का लेवल शोल्डर से थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, और जो विड्थ है वो शोल्डर विड्थ अपार्ट है। देखिए ये मेरा शोल्डर का विड्थ है, इससे बाहर ही मैं हाथ रख रहा हूँ। ठीक है, क्लोज मत रखिए, ज़्यादा वाइड मत रखिए, ये ऑप्टिमल विड्थ है। 2.5 से 3 स्टेप पीछे जाइए वॉल के, थोड़ा सा शोल्डर से नीचे हाथ रखिए और पुश कीजिए। ये इतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा होगा आपको, बट फॉर समवन हु वांट्स टू स्टार्ट, जिसको फर्स्ट स्टेप लेना है, बेबी स्टेप जिसे बोल सकते हैं, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। स्ट्रेंथ बिल्डअप में थोड़ा बहुत हेल्प जरूर करेगा, बट उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प करेगा। जब आपको लगे कि आप इसके 20 रेप कर पा रहे हो इजिली, तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अभी हम देखिए, यहाँ पे मेरा हाथ यहाँ पे था, अभी हम थोड़ा सा लेवल नीचे लेंगे, अभी हम हाथ यहाँ पे रखेंगे। आप देख रहे हो कैसे हम प्रोग्रेशन मेंटेन कर रहे हैं, एक हार्डर वेरिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगेन थोड़ा सा ज्यादा पीछे जाएंगे, देखो जितना ज्यादा पीछे जाऊंगा उतना डिफिकल्ट हो जाएगा, बट ज्यादा पीछे जाऊंगा तो वो पुशअप नहीं रहेगा, फिर वो अजीब सा ही कुछ मूवमेंट बन जाएगा जो कि इंजरीज भी हो सकता है, मैंने काफी लोगों को करते हुए देखा है। तो वो चीज मत कीजिए, एक ऑप्टिमल वेट डिस्टेंस मेंटेन करिए। मेक श्योर कीजिए जब आप आगे जा रहे हो तो आपका अपर चेस्ट टू लोअर चेस्ट के बीच में ही वो वॉल या जो भी आप बैरियर है वो टच हो रहा है। ठीक है, देखो सेम चीज, सेम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और जाएंगे डाउन एंड अप। देखिए जब मैं ऊपर आ रहा हूं तो प्रोट्रैक्शन मेंटेन कर रहा हूं, और जब नीचे जा रहा हूं तो रिट्रैक्शन, यानी चेस्ट को प्रॉपर टच कर रहा हूं उस पे वॉल पे। वापस देखिए, तो ये एक हार्डर वेरिएशन होगा। जब आपको लगे कि इसके भी 15-20 स्टेप इजीली जा पा रहे हैं, तो हम एक नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, यानी हाथ को ले आएंगे। सेम चीज, एवरीथिंग रिमेन सेम, नीचे जाइए और ऊपर आइए, प्रोट्रैक्शन। ऐसे हम वेरिएशन को हार्ड, हार्डेस्ट, हार्डर बनाते जा रहे हैं और बॉडी को नया स्टिमुलस प्रोवाइड करते जा रहे हैं, स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहे हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब आपको लगे कि ये भी इजीली हो पा रहा है 20-25 रेप, तो फिर आ जाइए फ्लोर पे, या फिर आपका कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ ऐसा चूज कर लीजिए जिसका लेवल यहाँ नहीं तो यहाँ पे है, इफ नॉट फ्लोर देन बीच में कहीं पे है, ताकि इजीली स्विच या ट्रांजिशन आप कर पा रहे हैं। तो फ्लोर पे मैं आपको बता ही चुका हूँ, फ्लोर पे आप ऐसे करेंगे। चलिए एक सिचुएशन और ले लेते हैं। काफ़ी लोगों को ट्रांजिशन करने में बहुत डिफिकल्ट महसूस होती है, मतलब यहाँ तो 15 रेप कर पा रहे हैं, बस फ्लोर पे आके फिर स्ट्रगल होता है। तो एक और वेरिएशन भी है जो जिसका आप फायदा उठा सकते हैं, सेम प्लैंक पोजिशन बट हम नीज नीचे रख लेंगे। ठीक है, अभी क्या होता है, ऑन एन एवरेज आप 60-70% अपना बॉडी वेट लिफ्ट करते हैं एक रेगुलर पुशअप में। मतलब मैं अगर ये पुशअप कर रहा हूँ तो मैं ऑलमोस्ट अपना 60-70% वेट पुश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लेग्स भी फ्लोर पे है। बट जब आप नीज नीचे रख लेंगे तो ये वेट और घट जाएगा, मे बी 40-50%, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब ये हेल्पफुल क्यों है, हेल्पफुल इसलिए क्योंकि आपको फॉर्म समझने का टाइम मिलेगा। इस मूवमेंट में थोड़ा सा रहो, 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते इसी को, इस पे रेप रेंज बढ़ाओ 20-25-30 और फिर फुल पुशअप पे आ जाओ। अभी लास्ट टाइम ये सीरीज में मैंने एक वेरिएशन बताया था जो कि वन लेग वेरिएशन था, ये वाला। क्या होता है ना, जिसको मूवमेंट की समझ जल्दी आ जाती है उसके लिए करना बहुत ईजी हो जाता है, बट जिसको समझ नहीं होती, जो अभी भी फॉर्म के साथ स्ट्रगल कर रहा है, वो बहुत स्ट्रगल करता है इसमें। तो ये चीज मत करिए, आप नॉर्मल एक बेसिक तरीका फॉलो करते हैं, टॉप डाउन 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 एंड फ्लोर। तो ये
एक रोड मैप है जिसके थ्रू आप पुशअप अनलॉक कर सकते हैं एंड आई एम श्योर आपने इसको अच्छे से फॉलो किया। मेक श्योर कीजिए कि हर वेरिएशन में आप एटलीस्ट 20 रेपिटेशंस का बैरियर इनटू 3 सेट्स ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट वेरिएशन पे जा रहे हैं। तो ये था हमारा पहला मूवमेंट पुशअप जो कि हॉरिजॉन्टल रहता है जिसमें आपका बॉडी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ जो कि है पैरेलल बार डिप। जो हमारा नेक्स्ट मूवमेंट है यानी सेकंड मूवमेंट जो आपको एज अ बिगिनर परफेक्ट करना है, अनलॉक करना है और मास्टर करना है, वो है पैरेलल बार डिप्स। अभी देखो पैरेलल बार डिप्स पुशअप से ज्यादा डिफिकल्ट है एंड ये बहुत ऑब्वियस है बिकॉज इसमें आप 100% बॉडी वेट लिफ्ट कर रहे हो। यहाँ पे कहीं आपका लेग्स फ्लोर पे नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, आपको डिप करना है पूरे बॉडी वेट के साथ और ऊपर आना है। इसलिए इसको सीखने में ना बिगिनर्स को थोड़ा टाइम लग जाता है। पुशअप्स तो बहुत जल्दी आ जाता है, इसको सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो हम समझते हैं कि ये आप जल्दी कैसे सीख सकते हो, क्या क्या प्रोग्रेशन आप करोगे कि जिसके थ्रू आप पैरेलल बार डिप अनलॉक करोगे। अब देखो मेरे पास ये पैरलेट्स है, इसको पैरेलल बार, मिनी पैरेलल बार्स या पैरलेट्स जो भी बोलिए, और मेरे पीछे आइडली जिसपे हम पैरेलल बार डिप्स करते हैं। अभी आपको ये चीज सीखने के लिए एक ऐसा इक्विपमेंट ढूंढना पड़ेगा। अभी देखो वो जरूरी नहीं है कि प्रॉपर प्रोफेशनल पैरलेट हो, वो फर्नीचर भी हो सकता है, वो दो चेयर भी हो सकती है। बस आपको मेक श्योर करना है कि जैसे आप हाथ रख सकते हैं उस पर और बीच में खाली जगह है जहां पे आप अपना बॉडी फिट कर सकते हैं। अभी देखो एक फंडामेंटल हमेशा याद रखना, अगर हमको कोई एक मूवमेंट सीखना है और उसको सीखने के लिए जो हम रिग्रेशन यूज कर रहे हैं वो उस मूवमेंट को जितना ज्यादा हो सके इमिटेट करना चाहिए, यानी सिमिलर मसल एक्टिवेशन मिलना चाहिए ताकि हम उस मूवमेंट तक स्ट्रेंथ बिल्ड कर पाए। इसमें हम सेम फंडामेंटल यूज करने वाले हैं। देखो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज बताता हूं, मैंने काफी लोगों को ये वाला वेरिएशन करते देखा है, देखो ये वाला जिसमें काफी लोग ऐसा सुपाइन ग्रिप यूज करते हैं। अभी देखो सुपाइन प्रोनेटेड में क्या होता है, प्रोनेटेड ग्रिप ये होती है, ये वाली सुपाइन ग्रिप ये वाली होती है और न्यूट्रल ग्रिप ये वाली होती है जो हम पैरेलल बार डिप्स में यूज करते हैं। तो एज अ बिगिनर आपने देखा होगा काफी लोग ये वाला डिप करते हैं, हालांकि इट्स नॉट ए बैड मूवमेंट, अच्छा मूवमेंट है, बट ये चेस्ट पे बहुत कम आता है, मेजर फोकस इसका ट्राइसेप्स पे रहता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये करने से मैं पैरेलल बार डिप सीख जाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको और भी कुछ करना पड़ेगा मूवमेंट जो कॉम्प्लीमेंट करे इसको और स्ट्रेंथ बिल्डअप करे वहां पहुंचने के लिए। बट सेम थिंग अगर हम इसको ऐसा रख देते हैं दो पैरेलल बार एक साथ, तो देखिए कितना क्लोजेस्ट हम पहुंच चुके हैं उस पैरेलल बार डिप तक। अभी यहां पे दो से तीन चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। पहली तो पैरों का प्लेसमेंट, यहां पे आप एकदम स्ट्रेट मत कीजिए नहीं, क्योंकि जो टेंशन चाहिए ग्लूट्स में हैमस्ट्रिंग में वो मेंटेन करने के लिए हल्का सा नी को सॉफ्ट लॉक रखिए, ग्लूट्स स्क्वीज कीजिए और फिर नीचे जाइए। अभी इसके दो वेरिएशन होते हैं, देखो या तो आप एकदम आगे चले गए, ये हो गया ट्राइसेप्स पे फोकस, ठीक है, या तो आप एकदम पीछे आ गए, ये हो गया चेस्ट पे ज्यादा फोकस। आपको एकदम मिडल में रखना है, देखिए आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो हिप लाइन है ये रिस्ट के एकदम बराबर है। वापिस से देखो इस साइड एंगल से मैंने लेग्स प्लेस करी, मैं ना ज्यादा आगे हूं और ना ज्यादा पीछे हूं, एकदम रिस्ट और मेरा हिप सिंगल लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, और मुझे नीचे जाना है। आप देखते रहिए ये मूवमेंट, यहां पे मैं 5 रेप करता हूं, 3 4 5 और सेम चीज मैं इधर जाके करता हूं। ये है सबसे क्लोजेस्ट इमिटेशन डिप का, बस लेग्स फ्लोर पे हैं क्योंकि वहां से हमें सपोर्ट मिल रहा है और जैसे हम पुशअप्स में धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे थे, जैसे पुशअप्स में पैर जमीन पे होते हैं और हम पूरा बॉडी वेट लिफ्ट नहीं करते, सेम टेक्निक हम इसमें यूज कर रहे हैं, पैर को जमीन पे रख के सेम मूवमेंट को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप इस मूवमेंट के एटलीस्ट 15 रेपिटेशंस तो क्रैक कर पाओ। कोशिश कीजिए 2 से 3 सेट्स तक लगातार 15 रेपिटेशंस हो रहे हैं बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्रेशन। अब अगर आपको यह लगता है कि यहाँ पे अगर मैं 20 रेपिटेशन कर दूंगा तो मैं पैरेलल बार डिप सीख जाऊंगा, तो शायद वो गलत होगा। हो सकता है 100 में से एक बंदा कर भी ले, बट मैं चाहता हूँ कि सभी इक्वल वे में प्रोग्रेस करें। तो इन दोनों के बीच में एक और मूवमेंट करना बहुत जरूरी है जो कि इससे डिफिकल्ट है और इससे ईजी है, चलिए वो समझते हैं। आपको एक बॉक्स लेना है पैरेलल बार डिप पे और
जैसे हमारा लेग्स उस वाले में आगे था, इसमें पीछे ही रहने वाला है। जैसे हमारा डिप्स, देखो ये डिप्स होता है जिसमें हमारा लेग्स एकदम सीधा रहता है, ठीक है, उस वाले में हमारा लेग्स आगे था, इसमें हम थोड़ा सा पीछे रखेंगे, यानी बॉक्स पे। सेम डिप पोजिशन है, बॉक्स पे रखा है। अभी इसको अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो लेग्स को इस तरीके से प्लेस नहीं करना है, मतलब आपको टोज को ऐसे प्लेस नहीं करना है, ऐसे प्लेस करना है ताकि ज्यादा बॉडी वेट आपके हैंड्स पे आए, अपर बॉडी पे आए। यहां से हम सीधा डिप मूवमेंट इमिटेट करेंगे, नीचे जाएंगे एंड अप, नीचे जाएंगे एंड अप। आप ध्यान से देखिए कैसा टेक्निक मैं यूज कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं जा रहा श्रग करके। स्कैपुला डिप्रेस रखो, याद है डिप्रेशन जो मैंने अभी बताया था, पुश वाले मूवमेंट पे दबा के रखना शोल्डर्स को नीचे। तो यहां पे वो कैसे होगा ये देखिए, अगर आप ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं तो नहीं, आपको इंजरी भी हो सकता है और मूवमेंट नहीं सीख पाओगे आप, आपको ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पैर इधर रखेंगे और डिप करेंगे। तो यहां पे आप फोकस कीजिए कि जितने रेप्स वहां पे कर पा रहे थे एटलीस्ट उसका 75% आप यहां पे कर पा रहे हैं, तभी जाके एक या दो रेप आप बॉडी वेट डिप्स कर पाएंगे लाइक दिस। तो चलिए अब हमारे थर्ड मेन कंपाउंड मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पाइक पुशअप्स। देखिए पहला मूवमेंट में हमने चेस्ट मसल्स, जो हमको मिडिल पैक हम जिसको बोल सकते हैं, उसको टारगेट किया था। हालांकि कैलिस्थेनिक्स में मसल्स टारगेट नहीं होते, मूवमेंट्स परफेक्ट होते हैं, बट स्टिल मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूं। डिप्स में आप बोल सकते हो कि लोअर चेस्ट को टारगेट किया था और ट्राइसेप्स को टारगेट किया था। अभी हम शोल्डर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी पाइक पुशअप्स। अभी देखो अगर आप ऐसे हो जिससे एक भी पुशअप नहीं होता है तो ये मूवमेंट से आप दूर रहिए। आप पुशअप्स को बिल्डअप कीजिए, पहले 15-20 तक लेके जाइए और फिर इस मूवमेंट की तरफ आइए। बट तब तक आप शोल्डर्स के लिए क्या कर सकते हैं पहले वो जानते हैं। देखो ये थी हमारी प्लैंक पोजिशन, पुशअप पोजिशन यानी, ठीक है। अभी यहां से आपको बट को ऊपर लेके जाना है और लेग्स को अंदर लाना है। ये देखिए ये इसको हम बोलते हैं पाइक पोजीशन। ध्यान से देखिए, वापस जाता हूं मैं प्लैंक पोजीशन पे, ठीक है। धीरे धीरे टोस को अंदर लाना है विदाउट बेंडिंग द आर्म्स। अभी यहां पे क्या होता है, मैं एक पिरामिड बना रहा हूं, देखिए। तो मेरा बॉडी वेट जो है मेरे चेस्ट की बजाय शोल्डर्स पे ज्यादा आ रहा है। तो आपको एज अ कंप्लीट बिगिनर ये पोजिशन होल्ड करना है और एम करना है कि एक मिनट तक टाइमर सेट कीजिएगा मोबाइल में और देखिए एक मिनट तक क्या आप ये पोजीशन होल्ड कर पाते हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो ही नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़िए। अगर मान लीजिए आपने एक मिनट तक ये होल्ड कर ली तो वो आपने मूवमेंट परफेक्ट कर ली। फिर हम जाएंगे टैप्स पे, 1, 2, 3, 4। अभी यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी शोल्डर कंडीशनिंग हो रही है। यहां पे आप जब एक हाथ ऊपर उठाते हो तो बॉडी वेट सिर्फ एक शोल्डर पे आता है, फिर ये उठाते हो फिर इस शोल्डर पे आता है। ऐसे ऐसे हम स्टिल हम मसल ब्रेक डाउन कर रहे हैं, स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहे हैं और हम अपने रोड मैप के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वो टैप्स ट्राई कीजिए एटलीस्ट 15 से 20 ईच आर्म आप कर पा रहे हैं बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए पाइक पुशअप आइडली ऐसे किया जाता है, आप आगे जाते हैं और पीछे आते हैं, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि मैं शोल्डर टैप तो 15 एक साइड कर रहा हूं, अब मुझे ये करना आ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, इतना इजी भी नहीं है कैलिस्थेनिक्स, तो बीच का एक मूवमेंट समझते हैं। देखो क्या है ना, कैलिस्थेनिक्स सीखने के लिए कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। मान लीजिए अभी मैं पुशअप्स कर रहा हूं, ठीक है। अभी आपको क्या लगता है कि मैं अगर हाथ के नीचे एलिवेशन लगा दूं, यानी कि अगर मैं ऐसे पुशअप करने लग जाऊं तो मैं कौन सा मसल टारगेट कर रहा हूं? धीरे धीरे लोअर चेस्ट की तरफ बढ़ रहा है वो, ठीक है। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस फॉर्म के साथ कर रहे हो। अगर आप पूरा ही आगे चले जाते हो तो शायद ट्राइसेप्स पे ज्यादा है, अगर आप पूरा ही पीछे चले जाते हो तो शायद अपर चेस्ट पे ज्यादा है। तो एक आइडियल पुशअप पोजीशन मेंटेन करेंगे तो आपका लोअर चेस्ट ज्यादा टारगेट होगा। इनक्लाइन पुशअप इस मूवमेंट का नाम है। बट ये सेम चीज मैं अगर पांव के नीचे लगा दूं, यानी ये, तो ये बन गया डिक्लाइन पुशअप। अभी इसमें अपर चेस्ट ज्यादा टारगेट हो रहा है एज कंपेयर टू इंक्लाइन पुशअप। अभी इंक्लाइन पुशअप थोड़ा इजी भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बॉडी वेट पैरों की तरफ आ जाता है। डिक्लाइन पुशअप डिफिकल्ट हो जाता है, ज्यादा बॉडी वेट अपर बॉडी अपर साइड की तरफ आ जाता है। तो जो बीच का स्टेप की मैं बात कर रहा था, पाइक शोल्डर टैप्स और पाइक पुशअप्स का, वो है डिक्लाइन पुशअप्स, एज सिंपल एज दैट। आपको क्या करना है, बट ये तभी कीजिए जब आप एटलीस्ट 15 पुशअप्स रेगुलर फ्लोर पे कर पा रहे हैं।
उसके बाद ही डिक्लाइन पुशअप्स की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम इसको जितना और बढ़ाते रहेंगे, अभी देखिए इंक्लिनेशन बढ़ा दिया मैंने, अभी मैं ज्यादा बॉडी वेट कैरी कर रहा हूं, ये डिफिकल्ट हो गया, तो मेरा अपर बॉडी स्ट्रेंथ, अपर चेस्ट स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ रहा है। तो फाइनली जब मैं बाइक पुशअप करने जाऊं तो ये मेरे लिए इजी हो जाएगा, बिकॉज मैं एटलीस्ट 12 से 15 डिक्लाइन पुशअप्स करके आया हूं। तो समझ रहे हैं आप कैसे हम मूवमेंट को इजी बनाते हैं। हम समझते हैं कि कौन सा मसल टारगेट हो रहा है, उस मसल को अलग से स्ट्रेंथन करते हैं दूसरे मूवमेंट के थ्रू, और फिर वापस से मेन कंपाउंड मूवमेंट की तरफ आते हैं। तो अभी समझते हैं कि पाइक पुशअप्स जब आप करने जाओगे तो टेक्निक क्या यूज करना है। देखिए पाइक पुशअप में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है ये, ऐसा नहीं होता है पाइक पुशअप। जैसे हम पुशअप्स में ये चीज अवॉइड करते हैं, इसको पीछे रखते हैं, वैसे ही पाइक पुशअप्स में ये चीज नहीं करनी है, इसको पीछे रखिए और आगे की तरफ जाइए। एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये एक ट्रायंगल बनाया, अभी जो मेरा एल्बोज है यानी ये चीज है, यहाँ पे मेरे हाथ रहेंगे, और जो मेरे हाथ हैं जहाँ पे, ये चीज यहाँ पे मेरा सर आएगा। देखिए पाइक पुशअप पोजिशन, और मैं आगे गया और पीछे आया, बैक टू सेम। ठीक है, ये पहली गलती थी जो लोग करते हैं और इस तरीके से आप उसको अवॉइड कर सकते हो। दूसरी गलती इज हाफ रेंज यूज करते हैं, यानी मैं ये तो सही कर रहा हूं बट मैं ऐसा आ रहा हूं ऊपर, ऐसा आ रहा हूं, ये इसमें कुछ गलती नहीं है, मसल बिल्ड इससे भी हो जाएगा, स्ट्रेंथ बिल्ड इससे भी हो जाएगा, बट क्या ये आगे आने वाली मूवमेंट्स को हेल्प करेगा जब आप हैंडस्टैंड पुशअप सीखने जाओगे? नहीं। तो सही फॉर्म्स क्या होगा, देखिए यहां पे हम जब आगे जाते हैं तो हमें सेम वे में पीछे आना होता है, लाइक दिस। अभी गलत देखिए, मैं आगे तो गया बट मैं वहीं से ही सीधा ऊपर आ गया, ये चीज नहीं करी। अभी आप खुद सोचिए कि अगर मैं ओवरहेड प्रेस कर रहा हूं बारबेल के साथ, तो मैं यहां तो नहीं रोकूंगा ना, मैं पूरा पीछे लेके जाऊंगा ना उसको, यानी ये मैं प्रेस किया, ऐसे तो प्रेस नहीं होता है, पूरा रेंज यूज करता ना, ये जो फ्लेक्शन है शोल्डर फ्लेक्शन, ये पूरा जाएगा। तो पाइक पुशअप में मैं ऐसा क्यों करूंगा, पाइक पुशअप में भी इसको पूरा पीछे तक लेके जाऊंगा ना। तो इस तरीके से आप पाइक पुशअप का फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि पाइक पुशअप को आपके कन्वीनियंस के हिसाब से इजी और डिफिकल्ट कैसे बनाते हैं। पहले तो नॉर्मल की बात करते हैं, जब मैं ऐसा पाइक पुशअप कर रहा हूं, इसमें अगर मैं लेग्स ऐसे रख लूं वाइड ओपन, तो ये मूवमेंट मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और आप ये मे बी ज्यादा रेप्स कर पाओगे जब आप ये करोगे। ठीक है, ये तब है जब आपसे वो लेग्स टुगेदर जब आप रखते हो, तब वो मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज उसमें क्या होता है ना, कोर का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है बैलेंस करने के लिए, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है बिकॉज सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अभी जब आप सीख रहे हो तो एक चीज और कर सकते हो, आप एक एलिवेशन यूज कर सकते हो ताकि आप थोड़ा सा कम रेंज में ही प्रैक्टिस करो, यानी कि देखो पाइक पोजिशन, मैं पूरा नीचे नहीं जा रहा, बस यहीं तक और वापस, यहीं तक और वापस, जब मुझे लगेगा कि भाई 20 के 15 रेप इजीली हो रहे हैं तो ये मैं हटा दूंगा और फ्लोर पर प्रैक्टिस करूंगा। वो मुझे अगर लग रहा है कि भाई अभी इजी हो गया है तो उसमें रेंज बढ़ा दो, यानी ये और नीचे जा रहा हूं मैं, देखो ये काफी हेल्पफुल है अगर आप हैंडसन पुशअप सीखना चाहते हो। तो ऐसे आप इजी और डिफिकल्ट बना सकते हो, आप पैरों के नीचे भी एलिवेशन ले सकते हो अगर आपको रेंज ज्यादा यूज नहीं कर रहा। अभी देखो जितना ज्यादा रेंज होगा उतना ट्राइसेल्स भी आएगा बीच में, बट अगर हमारा गोल है कि सिर्फ शोल्डर पे वर्क करना है, जो कि अभी है बिकॉज ट्राइसेल्स पे एज अ बिगिनर हम बाकी मूवमेंट से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम वो मूवमेंट पे नहीं जाएंगे। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने बता दिया। तो और डिफिकल्ट देखो लेग्स के नीचे एलिवेशन, अभी ज्यादा बॉडी वेट आगे की तरफ है, ये देखो डिफिकल्ट हो गया। अभी मैं जितना ऊपर जाता रहूंगा डिफिकल्ट होता जाएगा, और फाइनली एक दिन आएगा जब मैं हैंडस्टैंड पुशअप करने लगूंगा, मे बी लाइक दिस, तो ऐसे हम कैलिस्थेनिक्स में प्रोग्रेस करते हैं। तो ये था एपिसोड 1 का पार्ट 2, जहां पे हमने पुश मूवमेंट्स पे फोकस किया। तो एपिसोड 1 में पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के आपका बन जाएगा मंडे का अपर बॉडी वर्कआउट। वर्कआउट रूटीन डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कीजिए, मूवमेंट्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं। कोई भी डाउट हो जो कमेंट सेक्शन में जाइए टाइप कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा।
या फिर AISW Instagram पेज पे भी आप क्वेरीज डाल सकते हैं। और भूलिए मत सब्सक्राइब कीजिए, इतने सारे व्यूअर्स हैं बट सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, थोड़े बढ़ाइए सब्सक्राइबर्स ताकि हम भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सके। दिस इज योर कोच राजन साइनिंग आउट, स्टे स्ट्रॉन्ग।